जय हिंद साथियों तो यूपी पुलिस कांस्टेबल साठ पदों के एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को हुए थे और वो पेपर लीक हुआ और ऑफिशियल इनका नोटिस आया एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया और गवर्नमेंट के द्वारा ये आदेश दिए गए कि छः महीने के भीतर फिर से एग्ज़ाम करा लिया जाए तो अभी भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से एक्टिव है कि वो छः महीने के अंदर कैसे एग्ज़ाम करा पाएगा क्योंकि अभी हो सकता है कि नई कंपनी भी ये हायर करे जैसा कि अभी इसमें बात चल रहा है और अभी इसमें न्यूज आर्टिकल्स में भी आ रहा है कि भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क क्योंकि पहले तो इन्हें कंपनी नहीं मिल रही थी किसी तरीके से कंपनी मिली उसके बाद इन्होंने भर्ती निकाला अगर ये कंपनी ना मिली होती फिर तो भर्ती शायद ना आती ऊपर से प्रेशर रहा होगा कि किसी तरीके से भर्ती निकाला जाए इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए भर्ती आए किंतु एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया अभी देखिए हो सकता है क्योंकि महीने के अंदर आदेश दिए गए हैं तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हो सकता है कि इन पांच महीनों में एग्जाम ना कराया जाए किंतु अगस्त से पहले तो शत प्रतिशत निश्चित है कि आपके एग्जाम हो जाएंगे क्योंकि ऑफिशियल आदेश आया है गवर्नमेंट के द्वारा और भर्ती बोर्ड चाहेगा उससे पहले हम अपना एग्जाम करा लें ताकि कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे और अभी देखिए इसमें बताया है कि सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है बोर्ड ने भर्ती कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है अब देखिए हो सकता है कि ये टेंडर ना निकाले किंतु अंदर अंदर इनकी बात चल रही है हो सकता है कि, कि किसी दूसरी कंपनी से ये जो है एग्जाम कराएं किंतु बहुत ही मुश्किल है कि कोई और कंपनी इसमें रुचि लेगी क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और जब पेपर लीक होता है तो कंपनी बदनाम होती है हालांकि जो पेपर लीक होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर भी बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस के मिली भगत से ही पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं तो इसलिए कोई ऐसी कंपनी चाहिए जिसके प्रिंटिंग प्रेस पर पूरा कंट्रोल हो जिस तरीके से टी का टी का बहुत ही कम सुनते होंगे पेपर लीक के मामले और यहाँ पर देख सकते हैं टी ने तो पहले से मना कर दिया था इससे पहले ही अब तो लीक हो गया अब तो टी और भी इसमें रुचि नहीं दिखाएगी तो अब देखते हैं कि करना क्या है अभी ये जो है दूसरी संस्थाओं से भी संपर्क कर रहे हैं कि शायद दूसरी कंपनी को ये पेपर कराने का ज़िम्मेदारी दिया जाए अगर दूसरी कंपनी नहीं मिलती है तो ये कुछ इसमें नए विकल्प भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दे सकते हैं कि इसमें सुरक्षा यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर दे सकते हैं इस भर्ती में बोर्ड के अधिकारी यह मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए तो एक तरीका इनके मन में जो पहले इन्होंने बताया था हाइब्रिड मोड किंतु हाइब्रिड मोड पर भी कोई कंपनी राज़ी नहीं हुई कि हाइब्रिड मोड पर वो एग्ज़ाम करा पाएंगे अब देखते हैं कि क्या करना है तो देखिए हो सकता है कि पूरी संभावना यही है कि फिर से ओ एम बेस आपका पेपर कराया जाए किंतु इस बार हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी और टाइट होगी तो देखते हैं आगे क्या होता है बाकी हाइब्रिड मोड में बहुत ही मुश्किल है कि कोई कंपनी होगी कि वो हाइब्रिड मोड कराया जाए क्योंकि 50 लाख लोगों का हाइब्रिड मोड कराना आसान नहीं होता अब देखते हैं आगे क्या होता है बाकी आप लोग ये पूरे तरीके से श्योर रही है कि आपका जो एग्जाम होगा अब देखिए हो सकता है इसी में कुछ नए विकल्प जोड़ दिए जाएं बाकी हो सकता है कि कंपनी भी वही रहे अगर कोई कंपनी नहीं मिलेगी फिर क्या करेंगे छह महीने के अंदर इन्हें एग्जाम भी कराना है तो आपके जो एग्जाम होने की संभावना है वो जुलाई अगस्त में ही होने की संभावना है आप लोग तैयारी करते रहिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा और ये न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है आप इसे पढ़ सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहेंगे तो वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो कुछ भी आता है मैं देता रहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद